हमें जाने दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें जाने दीजिए। हमारे घर में हो क्या रहा है? ये ठीक से बांध देने क्या इसको? तो तू क्या कर रही है यहाँ पे? जा अपने कमरे में जा, जा। अप्पू अंदर जा, नानी बाबूजी ने कहा। माँ मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिए। कोई साला पास नहीं आएगा। समस्या क्या है रे? हा? पहले कहता है कि इस मास्टरनी पे हमरा हक है, जब हमरे आदमी उस पे हक जमाते हैं तो बीच में बचाव के लिए आ जाता है। अब मैं बात बता, ये माजरा क्या है बता जरा। वो कहा है ना बाबूजी, लत सी लग गई है। माना थोड़ी अड़ियल है, बट इसे सीधा हम करेंगे। वो कहा ना बाबूजी, हमारा और इसका नसीब जुड़ सा गया। और क्या है ना बाबूजी, बहुत बेइज्जती किया इसने। अप्पू का रोका रुकवाया, से पट्टी पढ़ाई, साला हमको थप्पड़ मारा, आपसे हाथ जोड़वाया भरी महफिल में। बदला तो लेना है ना बाबूजी, नहीं तो कहा है कि वो कर्जा रह जाएगा। बाप पड़ गया, चले जा पीछे। नहीं, 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 पड़ी, मत लेके जाओ इसे, पड़ी। प्रधान जी, नऊ वाला काम हो गया है, उनका लखनऊ का मकान अब हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अरे वाह साहब, बस कमाल कर दिया। सुना तू, तुमने जो नालायक बेटे हैं ना, उन्होंने हमको तुम्हारा घर बेच दिया। सुनो रे, माँ बेटी को लखनऊ ले जाने की तैयारी करो, देखो इन दोनों का अंत हम इन्हीं के घर में करेंगे। इतना का सोच रही मास्टर ने, जबान दिए आपको पूरा करके रहेंगे, और अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो अप्पू की कसम। और बाकी आपको पता है कि अगर आप बाहर जाएंगी तो क्या हाल होगा। ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर हमारी माँ को कुछ भी हुआ ना, तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आपको भी नहीं। हे भगवान, हम अपनी माँ को कैसे बचाएं? ये लोग माँ को कहाँ लेकर जा रहे हैं? रुक रुक रुक,
आंसू बहाओ, नदियां बहाओ, बस यही काम है तुम्हारा औरत जात का। चल चल इधर आ, पास मत आना, कोई हाथ मत लगाना, काट के इधर ही रख दूंगी मैं। ए चुप, तू तो हमको चाकू दिखा रही है? अरे तो पगलेट हो गई का? थोड़ी भी पास मत आना। काट कर रख दूंगी सब। उम्र के जिस दहलीज में हो ना हम्मा, हाथ में लाठी शोभा देती है, चाकू नहीं। बहुत जोश चढ़ा था ना जोश, अब निपट, हमने बिटवा से निपट। ए लड़का लोग चलो रे, ले चलो माँ बेटे को लखनऊ, चलो। इन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, इन दोनों को सिर्फ हम ही संभालेंगे। ना ना, अभी इन दोनों से लखनऊ में ही निपटेंगे। अरे अभय का भय आदा हमको, इनकी जो फूल जैसी बेटी है कैसी है? हाँ अच्छी है। ए बेटुआ क्या हुआ, ये सांप क्यों सूंघ गया? नहीं बाबूजी, काम हो गया। शाबाश, क्या किया तूने मेरी बेटी के साथ, कहा रखा है तूने उसे? बसर कितना पक पक करती है रे, एक तो औरत जात का आवाज सुन के ना हमारा माथा ठनक जाता है। चुप कर, काम करो ये लड़का लोग, बुढ़िया को उठाओ, ले चलो चलो बीमा। अम्मा कुछ भी नहीं हुआ है, आप बस हमारा साथ दें। लेकिन विश्वास रखिए हम पे। ए लेकर जाओ, लेकर जाओ इनको, चलो पकड़ के लेकर जाओ। छोटी तेरी मास्टर नहीं आई थी क्या यहाँ पे? अब नहीं भैया, लेकिन शायद वो आपके साथ थी ना? हाँ थी तो, लेकिन भाग गई। समझ नहीं आ रहा कि बाबूजी को क्या जवाब देंगे। साला बचाते हैं तो दिक्कत है, नहीं बचाएं तो दिक्कत है। समझ नहीं आ रहा, करें तो करें क्या? अच्छा सुन छुटकी, अगर वो तुझे फोन करे ना सबसे पहले हमें बताना, क्योंकि अगर वो इस घर में आ गई तो एक नया बखेड़ा शुरू हो जाएगा। चल आराम कर। अर्पिता हम जानते कि तुम्हारे भैया हमें हर जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपने घर में नहीं ढूंढेंगे। लेकिन अब हम चलते हैं अर्पिता, क्योंकि यही सही वक्त है ये सब कुछ खत्म करने का। कहे थे ना यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है। हम भागे थे लेकिन अपनी माँ की जान बचाने के लिए और आपके पिताजी को सबक सिखाने के लिए। अरे तुमको सबक सिखाई गई? रुक, इसको बोलते हैं तमंचा। बड़े बड़े योद्धा इसके सामने घुटने टेक देते हैं। अरे यहाँ सटा दे और दाद दे गोली।